गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। दिस इज द लेक्चर नंबर 13 एंड यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन लास्ट थ्री और फोर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटर। सो इन दिस लेक्चर द टॉपिक इज कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल ऑन कैपेसिटर। तो इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उनसे कुछ कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन फाइंड करेंगे। दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व द डिफरेंट अनदर प्रॉब्लम एंड ए नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कम इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन 12th क्लास एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस चीज पे बेस है कि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, और अगर उसमें डिफरेंट टाइप से अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट केस हमने डिस्कस किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन वन इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज इट्स कैपेसिटेंस इज सी, ओके, इन फ्री स्पेस। कैसे है फ्री स्पेस में? एंड चार्ज थ्रू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल बी, बैटरी वी से उसे चार्ज किया गया है। वट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो कैपेसिटर में मेरी कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जैसा कि हम अब तक करते हैं। सो दिस इज माई कैपेसिटर सी इन फ्री स्पेस एंड वी आर चार्जिंग दिस कैपेसिटर विद ए बैटरी ऑफ बी। सो सपोज देयर इज एन एनर्जी ई एंड रिलेशन इज गिवेन एज हाफ सी वी स्क्वायर, ये कह सकते हैं। और दिस रिलेशन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, और दिस एनर्जी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू हाफ क्यू वी, मेरी एनर्जी ये होती है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन फ्री स्पेस, पहला केस। ठीक है, अब वन बाई वन हम डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट केस में हम क्या कहके चले, व्हाट विल बी द एनर्जी इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक बिफोर चार्जिंग। अब केस ये कहके चल रहा है चार्जिंग से पहले इफ बी फिल्ड ए डाइलेक्ट्रिक, मैं कैपेसिटर में अपना एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देता हूं एंड देन वी आर चार्जिंग दिस कैपेसिटर थ्रू द सेम वोल्टेज, उसी सेम वोल्टेज से मैं चार्ज कर रहा हूं, तो एनर्जी में क्या चेंज होगा? तो कैपेसिटर, जैसा कि हम जानते हैं, इफ यू फिल्ड ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक द न्यू कैपेसिटेंस सी डैश बिकम इक्वल टू द के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। सो सी डैश इज इक्वल टू द के सी एंड सपोज दिस इज माई न्यू एनर्जी ई डैश एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस के सी। सो ई डैश इज हाफ, कैपेसिटर वैल्यू इज के सी एंड वोल्टेज इज सेम एज वी, ओके। सो द वैल्यू ऑफ न्यू एनर्जी इज हाफ के सी वी स्क्वायर। सो दिस एनर्जी ई डैश इज इक्विवेलेंट टू द ई इंटू के, ई इज द एनर्जी इन फ्री स्पेस। सो क्या कंक्लूजन निकला, अगर कैपेसिटर को चार्ज करने से पहले अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिकम के टाइम्स ऑफ द एनर्जी इन द फ्री स्पेस। सो दिस इज माय फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस, व्हाट विल बी द एनर्जी चेंज इन एनर्जी इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया है विद ए बैटरी ऑफ बी, ठीक है, एंड नाउ चार्जिंग के बाद सपोज देयर इज द वोल्टेज प्लस क्यू एंड दिस वोल्टेज माइनस क्यू एंड वी आर फिलिंग ए कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक के। सो द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस सी डैश अगेन के सी होगा एंड व्हाट विल बी द एनर्जी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, नाउ बैटरी इज नॉट कनेक्ट विद द टर्मिनल एंड कैपेसिटर इज चार्ज विद ए वोल्टेज ऑफ प्लस क्यू, ओके। सो द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाई ई डैश इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो हम जो नई एनर्जी लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर लेके कितना लेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज सेम रहता है। सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज हाफ क्यू स्क्वायर, ये सी डैश, सपोज न्यू कैपेसिटेंस सी डैश है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यू स्क्वायर अपॉन
Kc, and this the new energy is E by K. तो कैपेसिटर की जो न्यू एनर्जी होगी वो कितनी होती है, 1/k टाइम्स ऑफ एनर्जी इन फ्री स्पेस. सो सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी 1/k टाइम से रिड्यूस हो जाती है. तो पूरे क्वेश्चन में हमारे कंक्लूजन क्या निकला, इन फ्री स्पेस एनर्जी कितनी रहती है, 1/2 cv². अगर कैपेसिटर को पहले फिल्ड कर दें हम तो एनर्जी इज k टाइम्स इंक्रीज होती है, और सेकेंड अगर कैपेसिटर को चार्ज करके हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो एनर्जी इज 1/k ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी. ओके, सो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड इन ए कैपेसिटर तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ये है जी मेरा ए टर्मिनल एंड दिस इज माय बी टर्मिनल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी ए बी. इफ वी अज्यूम एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, अगर एरिया ए मान लें तो 1/2 d/2 डिस्टेंस में मेरा के वन है एंड 1/2 d/2 डिस्टेंस में क्या है के टू. ठीक है, ये तो एरिया रिमेन्स सेम. सो हाफ इफ बी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सी ए बी, जस्ट बी अप्लाई ए वोल्टेज, जैसे वही वोल्टेज लगाते हैं बिटवीन द टर्मिनल. ठीक है, अगर मैं इसे ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, सो दिस प्लेट इज चार्ज अप टू द सपोज प्लस क्यू, ड्यू टू इंडक्शन दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दैट इज अ माइनस क्यू. ओके, तो क्या चीज सेम रह रही है, पहला पॉइंट क्या है सेम, क्या है चार्ज इज सेम बिटवीन द प्लेट, दिस चार्ज इज सेम. ओके, चार्ज मेरा सेम है और पोटेंशियल बी जो होगा बिटवीन द प्लेट, अगर हम बात करें इस पॉइंट को ले लें और इस पॉइंट को, तो वोल्टेज अलग अलग होगा, तो बी इज डिफर. ठीक है, बी डिफर बिटवीन द प्लेट. तो दिस इज द केस क्या बन गया, दिस इज द केस ऑफ सीरीज कैपेसिटर. तो दोनों को हम कैसे लेके चलेंगे, सीरीज कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ C1 कितना हो गया, कैपेसिटर इज K1 डाइलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए ही है एंड डिस्टेंस कितनी है जी D/2. सो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 2K1 ओके इनटू एप्सिलॉन नॉट A/D. विद द सेम मेथड द वैल्यू ऑफ C2 इज K2 epsilon naught A upon D/2 and this value is equivalent to 2K2 and this is epsilon naught A upon D. Okay, and both capacitor are connected in series, dono capacitor series mein connect hai. So the equivalent capacitance is suppose 1 upon C is given by 1 upon C1 plus 1 upon C2. Main value of capacitance rakh raha hu C1 C2. So 1 upon C1 कितना था 2K1 and this is epsilon naught A upon D plus 1 upon C2 this is 2K2 epsilon naught A upon D. ठीक है, वन मोर स्टेप और 1 upon C कितना हो गया, ये D upon epsilon naught A मैं बाहर ले लूं और 2 भी कॉमन आ जाएगा. So this term is 1 upon K1 plus 1 upon K2. Okay, so final capacitance kitna raha? So the value of final capacitance C is, this is 2 epsilon naught A into D and that is K1 K2 upon term kitna aajaga? 2 epsilon naught A, D yahan nahi aayega, 2 epsilon naught A upon just wait and D is in denominator and this term is K1 plus K2. Okay, so that is the value of resultant capacitance. Meri ye hogi. Theek hai? So if a dielectric, different dielectric is filled into a capacitor, theek hai? And area remains same. Agar aapka area same reh raha aur distance alag alag hai, to equivalent capacitance kitna hoga? C is 2 epsilon naught A K1 K2 upon D.
at k1 plus k2, this term is k2. Okay, now एक केस और लेके चल रहे हैं. If dielectric dielectric is filled along the area, area के along मतलब different area में मेरा fill किया गया है. Now d is same, हम क्या कर रहे हैं, area यानी a by two area में dielectric k1 and a by two area में dielectric कितना लेके चल रहे हैं a2, then what will be the value of capacitor? ठीक है, वही सी ए बी कैलकुलेट करना है. Now if we connect this battery, okay, so if this is 0 volt and this is V volt, so capacitance of this K1 is supposed C1 and K2 is C2. So इसके केस में क्या सेम रहा है जी, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज सेम होगा, दोनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्ट टू द माइनस. ठीक है, तो वोल्टेज सेम एंड डिफर क्या होगा, चार्ज Q विल बी डिफर, अलग अलग चार्ज होगा. सो दिस इज द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है जी, पैरेलल का केस है तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ए सी वन प्लस सी टू. वैल्यू ऑफ सी वन कितनी होगी, के वन इज द डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना ए बाई टू एंड डिस्टेंस इज डी, एंड C2 की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1. K2 एरिया इज अगेन एप्सिलॉन नॉट a by 2 एंड डिस्टेंस इज d. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ C इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज k1 प्लस डायरेक्टली k1 प्लस k2. सो इन दिस केस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by 2d into k1 plus k2. तो इस केस में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर एन देखो केस क्या है, कंसीडर एन असेंबली ऑफ थ्री कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, तीन सरफेस स्फेरिकल सरफेस हैं, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस हैं, तो इस पर कंडक्टिंग सरफेस होगा तो चार्ज विल बी ऑलवेज ऑन आउटर सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो. ठीक है, तो पहले फर्स्ट एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज ए, मिडिल इज बी, वो एरिया सॉरी दैट इज द रेडियस, रेडियस इज ए बी एंड सी, रेडियस मेरी ए बी सी है. ठीक है, तो ए कंडीशन क्या है, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, तो आउटर रेडियस इज सी, मिडिल इज बी एंड इन इनर इज ए, ये मेरी रेडियस है. तो कैपेसिटेंस क्या फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल, वही मुझे सी ए बी बात करना है. सो बी अप्लाइड ए बैटरी, वही बैटरी लगा के चल रहा है बी बिटवीन द टर्मिनल, तो ये दिस इज द प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा एंड दिस इज माइनस क्यू, चार्ज कहाँ रहेगा आउटर सरफेस पे, सो दिस चार्ज और दिस आउटर सरफेस ऑफ रेडियस ए कितना आ जाएगा, प्लस क्यू. ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन इनसाइड चार्ज तो मेरे इस बी रेडियस में भी जीरो रहना है और ड्यू टू द इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं, चार्ज यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू एंड फिर ये सरफेस कितना बन जाएगा, प्लस क्यू. ओके, एंड चार्ज कन्वर्शन दिस सरफेस बिकम माइनस क्यू. ओके, तो बेसिकली हुआ क्या देखेंगे, रेडियस बी एंड सी स्क्वेयर, रेडियस ऑफ बी एंड सी मेक ए कैपेसिटर, यानी एक ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा. ये कैपेसिटर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वन प्लेट पे एक तरह से यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है. एंड सेकेंड, ये जो होगा दिस स्फेरिकल सरफेस इज अगेन बिहेव एज ए कैपेसिटर, क्योंकि इस पे कितना है प्लस क्यू और इस पे कितना है माइनस क्यू. सो एंड बोथ आर कनेक्ट इन सीरीज. तो पहले हम बात करें कैपेसिटर किसकी, सी ए बी, यानी ए और बी स्फेरिकल वाले की. तो कैपेसिटेंस हमने कहा इफ वी हैव ए
स्पेरिकल केस एंड रेडियस आर वन एंड आर टू, ठीक है, और दिस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी कितना होता है, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन, ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट ड्राइव किया ही था। तो पहला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू, यानी ए और बी रेडियस है, सो दिस इज ए इन टू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, सो पहला कैपेसिटेंस आ गया। नाउ फॉर द सेकेंड वन, हम कैपेसिटेंस कह के चल रहे हैं, सपोज सी बी सी, ऐसे फ्रॉम द सेम केस ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द बी सी अपॉन सी माइनस बी, ठीक है, और दोनों कैपेसिटेंस किस में आ रहे हैं, मेरे सीरीज में, सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिकम 1 अपॉन सी बिकम 1 अपॉन सी ए बी प्लस 1 अपॉन सी बी सी, ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो टर्म कितना आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, एंड सेकेंड टर्म इज सी माइनस बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी, ठीक है, सो वन मोर स्टेप, देखोगे नाउ 1 अपॉन सी, नीचे डिनोमिनेटर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या कॉमन आ जाएगा, बी, ये टर्म कॉमन आ गया, और ये यहां से सी मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ, बी माइनस ए, सो द टर्म इज सी बी माइनस ए बी, एंड फ्रॉम हियर द टर्म कितना बचा है, एक ए बचा, सो दिस टर्म इज प्लस ए सी, ओके, माइनस ए बी, ठीक है, और सी के साथ, सॉरी, ये जो टर्म होगा दिस इज नॉट द ए बी, दिस टर्म इज द ए सी, ए हो, ठीक है, सो दिस टर्म ए सी इज कैंसिल आउट, और अभी डिवीजन में और क्या आएगा, इन डिवीजन दिस इज द बी, केवल बी नहीं, ए था, तो दिस टर्म इज ए सी रह गया, ठीक है, ओके, नाउ वन मोर स्टेप, एक बार और कहते हैं, 1 अपॉन सी, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू बी, ऊपर कितना है, सी बी माइनस ए बी, बी इज कॉमन, सो दिस इज सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए सी, दिस बी इज कैंसिल आउट, सो द सी इक्विवेलेंट, इसे अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह दें, सी इक्विवेलेंट, फाइनली कितना हो गया, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट बिकम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी अपॉन सी माइनस ए, सो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है, ये मेरी फाइनल वैल्यू, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखोगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एक क्वेश्चन दे रखा है इन विच 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरड एंड 4 माइक्रोफेरड एंड दे आर द 2 बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड द 24 वोल्ट, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी ए बी, मुझे बी ए बी बी ए माइनस बी बी निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले कैपेसिटर कनेक्ट है, अगर आप पूरे सर्किट को देखें दे आर चार्जिंग थ्रू द बैटरी, तो चार्ज होंगे, तो अगर मैं मान लू ये प्लेट प्लस पे आ रही है माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस, इस तरह से है, ठीक है, तो सेम क्या रहेगा, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम, अगर हम इस वोल्टेज को बी वन कह दें ऑफ द 2 माइक्रोफेरड और ये वोल्टेज को कितना कहते हैं वी टू, ठीक है, ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या होगा, चार्ज रिमेन सेम, यानी क्यू वन पे जो चार्ज होगा वही क्यू टू पे, तो रिलेशन क्या रहेगा, 2B1 इक्वल टू 4B2, यानी क्यू वन इज सी वन बी वन इक्वल टू कितना होगा जी C2B2, पहला रिलेशन ये आ गया। अब बैटरी कनेक्ट है, तो बस क्वेश्चन को जरा मैं कनेक्ट कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं कि
देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल विदाउट ए रेफरेंस पॉइंट। तो हमने कहा अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लें, जीरो मान लें, सपोज द पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल इज जीरो, तो इन दोनों के बीच में यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी वन, तो ये कितना होगा माइनस बी वन आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कह चलेंगे, बी ए माइनस बी वी इक्वल टू बी वन, बी ए को हमने ग्राउंड माना, सो माइनस बी इक्वल टू बी वन, तो बी वी को कितना कहेंगे, दिस इज इक्वलेंट टू द माइनस बी वन। जब ये माइनस बी वन डिफाइन हो गया तो जस्ट वेट, तो क्या है जीरो, तो बी वी की वैल्यू कितनी होगी, बी वी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वन, ये टर्म आ गया, क्योंकि बी वी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू द बी वन, सो बी वी बिकम इक्वल टू द माइनस ऑफ बी वन, मेरा बी वी डिफाइन हो गया। अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट दैट दिस पॉइंट इज सपोज सी, ठीक है, तो बी सी माइनस बी वी, बी वी की वैल्यू कितनी है माइनस बी वन, दिस इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू द 12 माइनस बी वन, ठीक है, तो मेरा इस पॉइंट का बी सी का पोटेंशियल कितना होगा 12 माइनस बी वन, ये पोटेंशियल आ गया, और ये पॉइंट मेरा ग्राउंड है ये, और बैटरी पोटेंशियल कितना 24, सो पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल कितना होगा, दिस टर्मिनल का पोटेंशियल इज 24 वोल्ट, सो दिस इज 24 वोल्ट। तो बस देखोगे क्या चीज निकल के आए, तो ये पोटेंशियल है जी मेरा कितना 24 वोल्ट, और ये पोटेंशियल कितना है 12 माइनस बी वन, तो बी टू, बी टू की वैल्यू कितनी होगी, बी टू इज 12 माइनस बी वन एंड दिस इज माइनस 24, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी टू, बी वन मुझे पता है ये, तो जरा मैं बस इस वैल्यू यानी क्या फॉर्मूला क्या है, 2V1 इक्वल टू बी टू मुझे पता है, मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख रहा हूं, तो देखोगे तो 2V1 तो है ये इक्वल टू 4, बी टू तुम्हारा कितना हो गया 12 माइनस, ये तो माइनस बी वन है ये एंड दिस इज माइनस 12, ठीक है, सो 2V1 इक्वल टू माइनस 4V1 माइनस 48, ओके, सो दिस टर्म 6V1 इक्वल टू माइनस 48, एंड द वैल्यू ऑफ B1 बिकम माइनस 48 अपॉन 6, सो दिस टर्म इज माइनस 8 वोल्ट, ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस B1, ठीक है, और B1 क्या था, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड B, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BAB इक्वल टू द माइनस 8 वोल्ट, ओके, ये माइनस 8 वोल्ट ये आ गया। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ माइनस 8 मींस, ठीक है, BAB इज माइनस 8 है, तो इसका क्या मतलब, BBBA जो है दैट इज 8 वोल्ट, सो BB पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बी टर्मिनल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ ए टर्मिनल बाय 8 वोल्ट, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म, ओके, सो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जिनको हमने डिस्कस किया, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते रहेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत था हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप करते हो, तो जो भी प्रॉब्लम आए तो वो हम करते रहेंगे, ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।